ये गुफा 2500 साल पुरानी होगी। होगी, आप कह रही हैं तो जरूर होगी। तुम 200-300 साल के बच्चे भी ना कुछ भी मान लेते हो। ये गुफा हमारे सामने बनी थी आज से ठीक 1000 साल पहले। चीनी मिनी कुछ लम्हों के लिए कुछ भी रोक सकती है। 20 लम्हों के लिए आका, मैंने एक एक लम्हा गिना। चाचा तुम क्या कर सकते हो? लंबी लंबी फेंक सकते हैं। आप हमें कोई भी छोटी या बड़ी चीज में तब्दील होने को कहिए, हम हो सकते हैं जैसे कील, हथौड़ा, समोसा, पकोड़ा, जूता, जुराब, बस्ता, किताब। लेकिन कितनी देर के लिए? सिर्फ कुछ लम्हों के लिए, वरना उसके बाद वो हमेशा वही चीज बन के रह जाते हैं। और पता चला चाचा जूता बन गया। जूते काटते भी हैं बेटा। जूतों को चमकाया भी जाता है चाचा। चाचा क्या तुम इस दुनिया के सबसे मजबूत हथौड़ा बन सकते हो? बुजुर्ग ने बेअदब बच्चे का कान मरोड़ा। बना दे मुझे हथौड़ा। इतना छोटा हथौड़ा, इसमें क्या होगा? बीतेगी मुश्किल की घड़ी, कम छोटा उम्मीद पड़ी। अम्मी मदद। आका जोर से मारिए। बुढ़ापे में जख्म बनने में वक्त लगता है चाचा। ये भी कोई जख्म है? जख्म तो हमारे जमाने में लगते थे। आका आपने मुझे इतनी जोर से उठा के पटका। तुम्हारे 1000-1500 साल के तजुर्बे ने ये नहीं सिखाया कि आका के हुक्म पर सवाल नहीं उठाते? अब आओ मेरे पीछे। जहां तक नजर जा रही खजाना वहां तक है, लेकिन इतने कम समय में हम सारा का सारा खजाना इकट्ठा कैसे करेंगे? आका आते नहीं, दिमाग लगाओ। आका एक तरीका है, हमें सारा का सारा खजाना खा लेते, उसके बाद बाहर जाकर उल्टी कर देंगे। जी जैसी सूरत वैसा दिमाग। आका हमने ये सारे जेवर पहन लेते और आपने ये चूड़ियां पहनी। लो मैं पहन लेता। आका ये लीजिए आपकी मुसीबत का हल। कोशिश अच्छी है,
लेकिन जो दो तीन अशरफिया नहीं पूरे का पूरा खजाना ले जाना, इसमें क्या होगा? इसमें तो पूरे तुम भी नहीं आओगे। दो तमाचे अभी नहीं बाद में लगाएंगे। आका हमारा सिर्फ कद छोटा है लेकिन तजुर्बा बहुत बड़ा है, और तजुर्बे के आगे सारी मुसीबतें छोटी पड़ जाती हैं। ये पोटली बिल्कुल हमारे जैसी है, दिखने में जरा सी पर बहुत काम की। आका इसमें सारा खजाना आ जाएगा, आप बस थोड़ा सा खजाना डालिए फिर सारा खजाना अपने आप आएगा। मजाक तो नहीं कर रहे ना? मजाक मजाक तो रजाक साहब किया करते थे, पर आका और उन्हें मरे तो 800 साल हो चुके हैं। अल मरदूद को आपने मारा तो उसकी पोटली भी आपकी हुई। अब आप इसमें जल्दी से सारा खजाना डाल दीजिए। लोग झूठ बोलते हैं शहजादी, दिल नहीं अपने दिल से पूछिए, क्या अलादीन बादशाह सलामत का कत्ल कर सकता था? नहीं ना, खाला हमारे पास इन बातों के लिए वक्त नहीं है, क्योंकि आपको सल्तनत की जिम्मेदारी उठानी है, बगदाद की सुल्ताना बनना है, आपकी सगाई है। मैं दुआ करूंगी कि आप और वजीर आला साथ में बहुत खुश रहे, क्योंकि जो लोग अपनी जिंदगी से अपने फैसलों से खुश नहीं होते वो दूसरों को खुशियां नहीं दे सकते। हमारे अब्बू का ख्वाब था ये रिश्ता, ये ख्वाब हम कैसे पूरा नहीं कर? मैं ये तो नहीं जानती कि आपके अब्बू ने आपके लिए क्या ख्वाब देखा था, पर मैं इतना जरूर जानती हूं कि कोई भी रिश्ता, उनका कोई भी ख्वाब उनकी बेटी की खुशियों से बढ़कर नहीं हो सकता। आप बगदाद का कल हैं, सोच समझकर फैसला लीजिए। अगर आप इस रिश्ते से खुश नहीं हैं, तो वजीरे आला को सच बता दीजिए। दिल से सोचिए, अगर आपके अब्बू होते तो वो भी आपको यही सलाह देते। क्या वाहियात लिबास बनाया है, वो तो खुदा का शुक्र है कि हमारी शक्ल इतनी अच्छी बना दी, वरना इन कपड़ों ने हमको कब का बेच दिया होता। आगा आपको कोई हक नहीं बनता कि आप इतने खूबसूरत दिखें। वैसे 12 बजने वाले हैं और शहजादी तोता बनने वाली है, उसके बाद आपका रास्ता साफ। जानते हैं हमारे जिगर के छल्ले, बस तुम सही वक्त पर शहजादी के उस शाही तोहफे को लेकर दरबार में पहुंच जाना। एक मर्तबा शहजादी तोता बन जाए, उसके बाद पूरे दरबार में हलचल पैदा हो जाएगी, तब उस वक्त आग में हम घी डालेंगे। ये कहते हुए कि चिड़िया और परिंदे और तोते तो दरख्त पे बैठा करते हैं,
तख्त पर थोड़ी ना कोई बैठता है, तख्त पर तो बैठते हैं हमारे जैसे जाबाज। बस फिर जो हमारा असली मकसद है उस तक पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। फिर वही असली मकसद, तो बाकी मकसद क्या बेफजूल है? आका, आज तक आपने जितने सुल्तानों पे फतेह हासिल की तो आपने मुझसे उनका सोना लूटने को कहा, लेकिन अगर आप एक इशारा कर देते तो मैं इस कायनात के हर एक उस खजाने को आपके कदमों पे रख देता। तो फिर भी आपने ये हुक्म मुझे क्यों दिया? दरअसल जल्दबाजी में मजा किरकिरा हो जाता है, इसलिए बस थोड़ा सा इंतजार। समझ गया आका, मैं तो इंतजार कर लूंगा, लेकिन आपको शहजादी को तोता बनता देख इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तुम्हें यह बताओ कि शहजादी ने वो जेवर अपने बालों में डाला है या नहीं? अभी बताता हूं। भूल जाएंगी शहजादी अपने नखरे और तेवर, अब तक तो तुम बालों में लगा लिया होगा वो जेवर। ये तो शहजादी ने वो जेवर पहना ही नहीं। मंजिल के इतने करीब आकर इस वक्त कुछ गलत नहीं हो सकता। नहीं होगी आका, प्यार सहर है, दिन चैन है। जल्दी कीजिए। हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे फंस गए ना तो दुनिया मेरी खूबसूरती से महरूम रह जाएगी। आका ये सच कह रही है, दुनिया इसकी खूबसूरती से महरूम नहीं रहनी चाहिए। अंगूठी छाप, जिनी मिनी और चाचा तैयार? तैयार आका। भागो! हाय मेरी गुल्लू, बहुत प्यारी बीबी आज। कसम सोने की अशर्फियों की, तुम्हारा क्या है, भेड़ बकरियों की तरह झुंड में चलने की आदत है, पर नाज़नीन की फितरत ऐसे नहीं, उसे यूं सबके पीछे बैठने में बड़ी जलालत महसूस होती है, पर अपने गुल्लू के लिए मैं ये जहर का घूंट भी पी जाऊंगी। खुदा करे तुम्हें एक दिन सचमुच का जहर नसीब हो, आमीन। गुले गुलफाम ने हमें सब कुछ पहले समझा दिया कि हमें यहाँ पीछे क्यों बैठना है। देखो वो तुमसे कितना अलग है, बिल्कुल अलग सोच, कितनी रईस, कितनी अकलमंद।
तुम्हें रईसी के बारे में बहुत पता है, फकीरों के शहजादे। बिद्दी जाओ शहजादी को लेकर आओ। शहजादी शहजादी चलिए आपको। शहजादी शहजादी आप नीचे आ जाइए शहजादी, वरना आपको तो चोट लग जाएगी। बड़े बड़े शहरों की छोटी छोटी गलियों में अंदर एक तोता रहता है। शहजादी 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 सुनिए शहजादी, देखिए देखिए क्या है ना कि ऐसे सगाई के मौके पे ना बड़ा नाचने का मन करता है, लेकिन आप ऐसे ऊपर क्यों नाच रही है? नीचे आकर नाचिए ना, मैं भी आपके साथ नाचूंगी। बाहर सारे मेहमान इंतजार कर रहे हैं शहजादी, आज आपकी सगाई है, चोट लग जाएगी, नीचे आ जाइए। चोट इंसानों को लगती है, परिंदों को नहीं, और आज हम परिंदे की तरह उड़ना चाहते हैं। क्या खुदा, लगता है शहजादी को ना बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, क्या करूं? हरी हरी ताजी ताजी कुरकुरी मिर्ची, हरी हरी ओ ताजी ताजी ओ कुरकुरी ओ मिर्ची मिर्ची। आओ मैं आपको अपनी गोद में उल्लू की तरह उठाकर गुफा से बाहर लेकर जाता हूँ। उसे नहीं चाचा की हालत खराब हो रही, उठाओ वरना अल्लाह मियां उठा लेंगे। आका मैं रास्ते में पड़ी हुई चीज को नहीं उठा, हमें छूना भी मत, क्या पता तुम्हारा पागलपन छूने से फैलता हो। चाचा मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि तुम फौरन एक छोटा सा पत्थर बन जाओ और बाकी पत्थर के साथ लुढ़कते बाहर चले जाओ। जो हुक्म मेरे आका, बेकार जिनको बड़े जूते सतत्तर बना दे, हमें बना दे पत्थर। बड़ी शरारती लड़की है, 30 लम्हों के लिए किसी को भी कहीं से भी जमा देती है। चलिए मिनी पत्थर जमा दो अभी।
जो पता रहे वो कम खाए, इसे मैं जाऊं वो जम जाए। वाह, आप अच्छा हुआ वो दोनों अंदर ही रह गए। चाचा मनहूस तुम, चाचा नहीं चांद चंगेजी जिनी मिनी अंदर ही रह गई। चाचा दाईं तरफ भी देखो। जीनी मेरे तुम भी। बस आधा घंटा और आधा। हमें भी बड़ी बेसब्री से इंतजार है। बस शहजादी अपने बालों में वो जेवर लगाकर कूदते फांदते तोते की तरह यहाँ इस दरबार में आ जाएं।